प्रातस्मरामि हृदि संस्फुरदात्मतत्त्वम् सच्चित्सुखं परमहंसगतिं तुरीयम्। नमस्कार मित्रों, मैं सत्यव्रत दास आप सबका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल द ट्रूथ एंड फिलोसॉफी में। आज हम चर्चा करेंगे मुंडक उपनिषद के बारे में। मुंडक उपनिषद अथर्ववेद के अंतर्गत आता है। इसमें पदार्थ और ब्रह्म विद्या का वर्णन मिलता है। इस उपनिषद में ऋषि अंगिरा के शिष्य शौनक के संवाद के रूप में दिखाया गया है। इसमें 64 मंत्र हैं जो कि 3 मुंडकों या भाग में उपलब्ध है। हमारे जो गलतियां ब्रह्म को पाने में बाधक है इसे दूर करता है। इसके मंत्र सत्यमेव जयते भारत के राष्ट्र चिन्ह का भाग है। इसमें परमात्मा के द्वारा अपने अंदर से विश्व के निर्माण करना, जैसे मकड़ी के जाल का उदाहरण और दो पक्षियों द्वारा जगत के साथ व्यवहार को, आत्मा परमात्मा के भेद को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसमें अद्वैत तथा द्वैत संकलन मिलता है। ये उपनिषद अद्वैतवादियों जैसे शंकराचार्य और द्वैतवादियों जैसे माधवाचार्य दोनों की रुचि का ग्रंथ है। मुंडक उपनिषद में परम ब्रह्म के स्वरूप और उसे प्राप्त करने के मार्ग को वर्णन किया गया है। माना गया है कि ये ग्रंथ मुख्यतः उन आध्यात्मिक जिज्ञासुओं के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है जो मोक्ष की समझ और उसकी प्राप्ति का मार्ग जानना चाहते हैं। वैदिक दार्शनिकों के मतानुसार जीवधारियों का भौतिक पदार्थों से बना स्थूल शरीर तो नश्वर है, किंतु उसमें निवास करने वाली अमूर्त आत्मा अमर है। वास्तव में आत्मा बारंबार शरीर धारण करती है और कालांतर में उसे छोड़ती है। वह जन्म मरण के चक्र से बंधी रहती है। प्राचीन वैदिक चिंतक मानते थे कि परमात्मा या परम ब्रह्म समस्त सृष्टि का मूल है और आत्मा वस्तुतः उसका एक अंश है। परम ब्रह्म और आत्मा के बीच का संबंध कुछ कुछ वैसा है जैसा विशाल समुद्र और उससे मिली हुई जल का एक बिंदु का सदृश। अपनी देह से संपादित कर्म फलों का बंधन से आत्मा जन्म मरण के चक्र में तब तक भटकती रहती है जब तक कि उसे अपनी वास्तविक स्वरूप अर्थात परम ब्रह्म का अंश होने का ज्ञान नहीं हो जाता। ज्ञान प्राप्त के पश्चात वह उसी में लीन हो जाती है। उस अवस्था को मोक्ष की संज्ञा दी गई है। मुंडक उपनिषद के अनुसार ये ब्रह्म ज्ञान सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा को प्रदान करे। अथर्वा से अंगी को ब्रह्म विद्या मिला तथा अंगी से सत्यवह को प्राप्त हुआ। सत्यवह से अंगिरा को ब्रह्म विद्या प्राप्त हुआ। शौनक ऋषि का जिज्ञासा था कि किस तत्व के जान लेने से सब कुछ अवगत हो जाता है। अंगिरा ऋषि ने उसे ब्रह्म विद्या का उपदेश किया जिसमें उन्होंने परा विद्या और अपरा विद्या के माध्यम से समझाया। चार वेद और वेदांग को अपरा विद्या तथा उस आत्मज्ञान को परा विद्या का नाम दिया।
जिससे अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। अपने किया हुआ यज्ञ और उत्तम कर्मों से ये दिव्य आत्मा स्वर्ग लोक साधते हैं, परंतु कर्म फल का भोग समाप्त होने के कारण मनुष्य अथवा हीनतर योनि में जीव जरा मरण के चक्कर में पड़ता है। कर्म फल की नश्वरता देखते हुए संसार से विरक्त हो ब्रह्मनिष्ठ गुरु से दीक्षा लेकर संन्यास निष्ठा द्वारा ब्रह्म का उपलब्धि ही मनुष्य का परम पुरुषार्थ है। जैसे अग्नि से बहुत सारे चिंगारियां निकलते हैं, वैसे ही ब्रह्म से सब कुछ प्राणवान जीव जंतु उत्पन्न होते हैं और उसी में लीन हो जाते हैं। जैसे मकड़ी अपने में से ही जाल को निकालती है और निगल जाती है, जैसे पृथ्वी में से औषधियां और शरीर से केश और लोम निकलते हैं, उसी प्रकार ब्रह्म से विश्व सृष्टि होती है। अपने शाश्वत ज्ञान रूपी तप से वह हिरण्यगर्भ प्रकट करता है, जिससे अन्न प्राण मन सत्य लोक कर्म कर्मफल इंद्रियां आकाश वायु ज्योति जल और पृथ्वी इत्यादि उत्पन्न होते हैं। प्रदीप्त अग्नि से उसी के स्वरूप की अनगिनत चिंगारियों की तरह सृष्टि के अशेष भाव ब्रह्म से ही उत्पन्न होता है। ये विशाल संसार ब्रह्म का ही व्यक्त रूप है। ब्रह्म का सच्चा स्वरूप अव्यक्त और अचिंत्य है। आंख कान इत्यादि ज्ञानेंद्रियों और हाथ पांव इत्यादि कर्मेंद्रियों तथा मन और प्राण इत्यादि से रहित वह अनादि नित्य विभु सूक्ष्माति सूक्ष्म सर्वज्ञ सर्वव्यापक दिव्य और वर्णनातीत है। यहां आत्मा को पाने का अर्थ है आत्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना। धार्मिक गुरुओं के प्रवचन सुनने से, शास्त्रों के विद्वतापूर्ण अध्ययन से अथवा ढेर सारा शास्त्रीय वचनों को सुनने से यह ज्ञान नहीं मिल सकता। इस ज्ञान का अधिकारी वह है जो मात्र उसे पाने की आकांक्षा रखता है। तात्पर्य यह है कि जिसने भौतिक इच्छाओं से मुक्ति पाली हो और जिसके मन में उस परमात्मा के स्वरूप को जानने की लालसा शेष रह गई हो, वही उस ज्ञान का हकदार है जो बाहरी सुख दुख नाते रिश्ते क्रियाकलापों में उलझा हो, उसे वह ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता। जिस व्यक्ति का भौतिक संसार से मोह समाप्त हो चला है, वस्तुतः वही कर्मफलों से मुक्ति हो जाता है और उसका ही परम ब्रह्म से साक्षात्कार होता है। ब्रह्म को साधारण ज्ञान अथवा पांडित्य से अपनी इंद्रियों ज्ञान अथवा कर्म से पा नहीं सकते। कामनाओं का त्याग निष्ठारूपी बल सत्य ब्रह्मचर्य मन और इंद्रियों का एकाग्रता रूपी तप अनासक्ति और सम्यक ज्ञान इत्यादि उपायों से मनोविकारों के नष्ट हो जाने पर बुद्धि शुद्ध हो जाती है, जिससे ध्यानावस्था में परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। इसके निमित्त उपनिषदों में महान अस्त्र प्राण रूपी धनुष पर उपासना से प्रखर किए आत्मा रूपी वाण से तन्मय होकर ब्रह्म रूपी लक्ष्य को भेदने की साधना का निर्देश है। इससे जीवात्मा और परमात्मा के अभेद का अनुभवात्मक ज्ञान हो जाता है। हृदय की गांठ खुल जाती है, सब संशय मिट जाते हैं और पुण्य और पाप के बंधन से मुक्ति मिल जाती है एवं मरण काल में आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं। इस एकी भाव का स्वरूप बहती हुई नदियों का समुद्र में मिलने पर नाम रूप मिटकर एक ही रूप प्राप्त होने के समान है।
यह आत्म तत्व बलहीन व्यक्ति को प्राप्त नहीं होते, न ही धन संपदा परिवार के विषयों में लिप्त रहने वाले को, और न तपस्या किंतु संन्यास रहित व्यक्ति को मिलता है। यहां पर बलहीन का अर्थ सामान्य दैहिक अथवा बौद्धिक बल से नहीं है। जिसके पास आत्म संयम का सामर्थ्य है वही बलवान है, क्योंकि वह विपरीत परिस्थिति में भी अचल रह सकता है, किंतु ऐसा व्यक्ति भी मोक्ष के योग्य नहीं होता। संन्यास का अर्थ है सांसारिक बंधन से स्वयं को मुक्त करना। जिस व्यक्ति को कोई लालसा नहीं है, जो सभी बंधन तोड़ चुका हो, जिसका न कोई अपना रह गया हो न कोई पराया, वह सही में सन्यासी कहलाता है। ऐसा सन्यासी बनना ही परम ब्रह्म के ज्ञान का उपाय है। एक पेड़ पर दो सुंदर पंखों वाले पक्षी बैठे हैं। एक फल खा रहा है और दूसरा उसे खाते हुए देख रहा है। यहां पेड़ प्रकृति है, जैसे एक पक्षी भोग रहा है। उसे आत्मा के समान माना गया है और जो पक्षी उसे खाते हुए देख रहा है उसे परमात्मा के रूप में बताया गया है। जो भोग तो नहीं करता है लेकिन निरीक्षण करता है और देखता है। द्वैत सिद्धांतों में दो पक्षियों के स्वरूप को आत्मा और परमात्मा अलग अलग मानते हैं, परंतु अद्वैत सिद्धांतों के अनुसार एक पक्षी हमारे इंद्रिय तथा मन के रूप में है और दूसरा पक्षी जो सब कुछ देख रहा है वो हमारे आत्म स्वरूप ब्रह्म के रूप में समझता है। अद्वैत सिद्धांत ही मानता है कि जिस साधक की मन तथा इंद्रियां पूरी तरह आत्म केंद्रित हो जाता है तथा जान लेते हैं कि ब्रह्म उसके हृदय रूपी गुफा में स्थित रहते हैं, वो एहसास करता है कि अहम ब्रह्मास्मि यानी आत्मा सब जीवों में एक ही है और वो ही एकाक्षर ब्रह्म है। आत्मा के मूल स्वरूप का ज्ञान पा जाने वाले ऋषियों के लिए उनका शरीर एक अस्थाई संसारिक बंधन रह जाता है। उसके लिए देह त्याग पर परम ब्रह्म में लीन होना वैसा ही होता है जैसे कि मटकी जो बिखरने पर उसके भीतर की आंशिक आकाश और ब्रह्म असीमित आकाश के बीच का भेद समाप्त हो जाता है। ऐसे जुड़े हुए चित्त की स्थिति में केवल ब्रह्म का ही भाव उसके मन में रह जाता है और सांसारिक समस्त वस्तुओं में उसी ब्रह्म का ही दर्शन होने लगता है। उसके लिए कुछ भी सांसारिक चीज नहीं रह जाता है। इसके साथ मुंडक उपनिषद समाप्त होता है। नमस्कार।